हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस. आई एम योर मैथ टीचर मनीष कुमार. टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्लास 9 यूनिट 2 पॉलीनोमियल्स. जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलीनोमियल्स को किन किन कैटेगरीज में बांटा हुआ है और पॉलीनोमियल्स कब होता है कब नहीं होता है. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. ये तो वही क्वेश्चन हो गया. आपसे पहले क्वेश्चन में यही पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन से पॉलीनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. उसके बारे में अपना उत्तर दीजिए कि कोई अगर नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, तो मैंने आपको उसमें चार कंडीशन बताई थी. एक कंडीशन थी क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन थी हमारी कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए. आई थिंक ये कंप्लीट नंबर वाला मैं लास्ट टाइम टर्म्स को बताना भूल गया था, तो उसमें ऐड कर लेना कि पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी पॉजिटिव एंड ए कंप्लीट होल नंबर. सेकेंड कंडीशन थी वेरिएबल शुड नॉट बी लाई इन अंडर रूट, जो हमारा वेरिएबल्स है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. थर्ड कंडीशन थी कि जो हमारा वेरिएबल है वो शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नहीं बचना चाहिए. ठीक है, तो चेक करते हैं ये कंडीशन होती है हमारी चार. तो अब चेक करते हैं, पहला सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में जाते हैं. तो हमारे पास सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल. वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स. एक्स वेरिएबल यूज किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट, 4x की पावर 3. फर्स्ट पार्ट, 4x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 7. सबसे पहले हम इसमें देखेंगे वेरिएबल कौन सा है. इसमें वेरिएबल यूज किया हुआ है हमारा x. इसमें x वेरिएबल के अलावा कोई यूज नहीं किया हुआ है. तो अब हमें जो चार कंडीशन है वो देखनी है. सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो x की जो पावर्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव और एक कंप्लीट होल नंबर चाहिए. तो ये 2 पॉजिटिव है, इसकी पावर कुछ नहीं होती. इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है. यानी कि यहां पर जहां जहां पर भी वेरिएबल यूज किया हुआ है सभी की पावर नॉन नेगेटिव है और एक कंप्लीट नंबर है. यानी कि 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. थर्ड कंडीशन थी कि जो हमारा वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. यहां पर अंडर रूट के अंदर नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. फोर्थ कंडीशन क्या है कि जो हमारा वेरिएबल है वो डिनोमीटर में नहीं बचना चाहिए. यहां पर डिनोमीटर में नहीं बचना चाहिए, तो ये क्या है, ये पॉलीनोमियल्स है. यस, इट्स ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल. ये पॉलीनोमियल्स है वो भी किसमें, वन वेरिएबल में. सेकंड पार्ट देखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2. तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है कि वेरिएबल कहां कहां पर यूज किया हुआ. वेरिएबल एक ही जगह यूज किया हुआ है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और एक पॉजिटिव एक होल नंबर होना चाहिए. तो पावर पॉजिटिव नंबर है और एक होल नंबर है, सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड कंडीशन, अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नहीं है. यहां पर बात ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारा वेरिएबल अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए. अगर कोई नंबर है वो अंडर रूट के अंदर हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो हमारा वेरिएबल अंडर रूट के अंदर नहीं है. थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन कि अपॉन में डिनोमीटर में भी वेरिएबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा. तो सेम लिख लेंगे, यस इट्स ए पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल. ये इसका रीजन हो गया. थर्ड वन, 3√t + t√2. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले चार कंडीशन चेक करनी है कि सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर रूट की जो पावर होती है वो कितनी होती है, 1/2. आपने देखा होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वी कैन रिटेन एज t की पावर 1/2 + t√2. क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर कितनी उसकी, 1/2, हाफ पावर. तो कंडीशन क्या कहती है हमारी, जो चार कंडीशन है कि क्या जो हमारे वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनकी पावर एक क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और एक होल नंबर होना चाहिए. पॉजिटिव तो है दोनों की पावर, बट यहां पर इसकी पावर क्या हो गई, एक होल नंबर नहीं है, जिसकी वजह से ये पॉलीनोमियल्स नहीं हुआ. क्योंकि चारों कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो पॉलीनोमियल्स नहीं होगा. तो हम यहां पर देख रहे हैं पावर कैसी हो गई, इसकी हाफ हो गई. तो ये क्या कहेंगे,
इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट कंप्लीट नंबर, क्योंकि जो उसकी वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी है, कंप्लीट नंबर नहीं है, एक होल नंबर नहीं है। फोर्थ पार्ट पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपॉन वन मान कर। वन और वाई का एलसीएम कितना आया आपका, वाई, वाई की मल्टीप्लाई में करेंगे आपको बनेगा वाई स्क्वायर प्लस टू। अब अपने आप देख हम क्या करना है, हमें चार कंडीशन देखनी है, क्या फर्स्ट कि जहां पर वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और कंप्लीट नंबर होना चाहिए। पावर हमारे यहाँ पास क्या है, कंप्लीट नंबर है और पॉजिटिव नंबर है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या थी कि हमारा वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में लाई नहीं करना चाहिए और यहाँ पर वही हो रहा है, यानी किसी पावर जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वाई स्क्वायर प्लस टू, उस वाले वाई को मैं ऊपर लेकर आ गया तो पावर कितनी हो गई इसकी, नेगेटिव हो गई। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल्स बिकॉज द पावर द एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल इज नेगेटिव, ठीक है, ये आपका रीजन हो जाएगा। या फिर लिख देंगे कि वेरिएबल शुड बी लाई इन डिनोमिनेटर। फिफ्थ पार्ट, x टू द पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। यहां पर वेरिएबल थ्री वेरिएबल यूज किए हुए हैं, एक वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर वेरिएबल्स हम डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। तो हमें कंडीशन, सबसे पहले कंडीशन चेक करनी है क्या कि वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। सभी की पावर पॉजिटिव है और सभी की पावर कंप्लीट नंबर है। सेकंड कंडीशन, अंडर रूट के अंदर वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के अंदर नहीं है और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। यस इट्स ए पॉलिनोमियल, नोमियल्स ऑफ थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल्स होगा बट किसके अंदर, इसके थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर है, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऐसे क्वेश्चन में आपको जब फर्स्ट वीडियो थी मैंने उसमें आपको डिस्कस भी किया था कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमें क्या करना है कि इसमें किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स टू द पावर टू। वैसे एक क्वेश्चन अलग अलग भी हो सकता है बट इसमें पर्टिकुलर एक टर्म ले ली है एक्स टू द पावर टू, यानी कि एक्स की पावर टू के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे कि यहाँ पर पर्टिकुलर टर्म है एक्स की पावर टू, तो सबसे पहले मुझे जो भी गिवन टर्म पॉलिनोमियल्स होगा उसमें ये चेक करना है कि कहीं भी एक्स की पावर टू लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पर आया और मैंने यहां पर देखा या क्या मेरे पास एक्स की पावर टू है, हाँ यस मेरे पास एक्स की पावर टू वाली टर्म है। अब एक्स की पावर टू वाले के साथ यहां पर कुछ नहीं लिखा होता तो हम क्या लाइट करते हैं यहां पर ऐसा वन, तो बस मुझे यही देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे क्या लिखना है, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर x को पावर 2 के साथ क्या है, केवल 1 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वन, तो यहां पर वही लिखना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, x पावर 2 के साथ यहां पर कुछ नहीं है तो क्या लेट करेंगे 1, लेकिन यहां पर नेगेटिव 1 आएगा क्योंकि यहां पर इसका नेगेटिव साइन है, ध्यान रखना है नेगेटिव वाला साइन, ज्यादा मिस्टेक यहीं पर होती है। थर्ड, क्या यहां पर कहीं एक्स पावर टू वाली टर्म है, यस दिस वन, तो यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर टू इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया अभी, जो भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी उसके साथ जो भी नंबर लिखा होगा वही उसका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, डेट इज
पाई अपॉन टू, ये आंसर हो जाएगा फोर्थ वन. अब आप कहेंगे सर इसमें तो x पावर टू वाला टर्म है ही नहीं. यस माई डियर, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर मैं इसको ऐड कर सकता हूं जीरो इंटू एक्स की पावर टू, क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई एनी नंबर विद मल्टीप्लाई जीरो इट ऑल्सो जीरो, तो टर्म भी क्या हो जाएगा जीरो, यानी कि इस नंबर में मैंने कोई भी ऐड नहीं किया है. मैं लिख सकता हूं इसको, तो अब आप जानते हैं कि अब यहां पर एक्स की पावर टू वाली टर्म आ चुकी है, तो उसका कोफिशियंट कितना हो जाएगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए. क्वेश्चन नंबर थ्री, गिव वन एग्जाम्पल्स ईच ऑफ ए बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100. हमें क्या करना है, बायनोमियल्स लिखना है कितने डिग्री वाला, 35 डिग्री वाला, एंड मोनोमियल्स लिखना है कितने डिग्री वाला, 100 डिग्री वाला. जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पॉलीनोमियल डिफाइन किए थे, तो उसमें बताया था बायनोमियल्स. बायनोमियल्स कौन सा पॉलीनोमियल्स होता है, एक ऐसा पॉलीनोमियल्स होता है जिसमें कितनी टर्म होती हैं, टू टर्म्स होती हैं. तो मुझे टू टर्म्स वाला कोई भी ऐसा पॉलीनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी हो, 35. तो मैं लिख सकता हूं x की पावर 35 माइनस प्लस 72. ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया. ये आंसर सभी का डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि यहां पर कोई वेरिएबल भी लिख सकता है, इसके साथ कोफिशिएंट लिख सकता है, टू लिख लो कुछ भी, यह सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. मुझे सेकंड लिखना है मोनोमियल्स. मोनोमियल्स में कितने टर्म्स होती है, वन टर्म्स होती है. ऐसा मोनो में सीखना इसकी डिग्री कितनी हो, 100. तो मैं लिख सकता हूँ चैट की पावर 100. कोई इसको ऐसे लिख सकता है माइनस 5 एक्स की पावर 100. सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स. हमें क्या बताना है, इन सबकी डिग्री बतानी है. तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं उन सब में सबसे बड़ी पावर कौन सी वाली टर्म्स की है. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 5x पावर 3 प्लस 4x पावर 2 प्लस 7x, वेरिएबल तीन जगह यूज हुए हैं. तो इन वेरिएबल्स में सबसे ज्यादा हाई डिग्री किसकी है, यहां पर 3 वाली, क्योंकि 1, 2, 3. तो जो भी सबसे बड़ी डिग्री होगी, पावर होगी, वो इसका आंसर हो जाएगा. तो डिग्री इक्वल टू 3, केस का आंसर हो जाएगा. सेकंड वन, 4 माइनस वाई की पावर 2, तो यहां पर वेरिएबल एक ही जगह यूज हुआ है, सबसे बड़ी डिग्री यही है, पावर यही है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 2. यहां पर कोई भी नहीं है, तो यहां पर टी है, टी वेरिएबल यूज हुआ है, टी की पावर कितनी हो जाएगी, 1. तो यहां पर डिग्री इक्वल टू हो जाएगी 1. हाँ, फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर वेरिएबल यूज नहीं किया हुआ है. तो मैं क्या 3 को ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0. मैंने एक वेरिएबल ले लिया है कोई भी, ठीक है, आप आई ले लीजिए, जेड ले लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. और हम जानते हैं कि 3 इंटू एक्स टू पावर जीरो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाती है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1. तो 3 इंटू 1 कितना हो गया, 3, है ना. तो अब यहाँ पे आपको वेरिएबल मिल गया है, और इस पर डिग्री कितनी है, 0. तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0. हमें यहां पर ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमारे पास एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है और उसमें उसकी डिग्री पूछी है, तो उसकी हमेशा डिग्री कितनी होगी, 0. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स. हमें क्या बताना है, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीनोमियल्स लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन सा क्यूबिक है. जब मैंने आपको टर्म्स डिफाइन की थी, तो उसमें बताया था पॉलीनोमियल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, इन बेस ऑफ टर्म, इन बेस ऑफ डिग्री, ठीक है. तो ये कौन सा वाला है, ये इन बेस ऑफ डिग्री है डिवाइड किया हुआ, क्योंकि डिग्री के बेस पर इसको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक बोला है. अगर किसी की डिग्री 1 है तो वो लीनियर कहलाएगा, अगर किसी की डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, अगर किसी की डिग्री 3 है तो क्यूबिक कहलाएगा. अब मुझे क्या करना है, केवल पावर्स कंपेयर करनी है, डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स. आपको पूरा लिखना है पॉलीनोमियल्स. 1 और 3 कितनी हो गई, 3 पावर हो गई, तो पावर 3 होती है क्या, कितना हो गया है, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलीनोमियल्स. कितनी पावर है, 2, आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 1 पावर. अगर किसकी पावर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलीनोमियल. पर पॉलीनोमियल सीखना था, पावर 2, पावर 3 आप इसको कर सकते हैं. तो चलिए, आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे. मैं इसका एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहा हूं, फिफ्थ पार्ट, 3xy की पावर 2 z प्लस
थ्री फाइव एक्स वाई जेड माइनस वन एक्स की पावर टू वाई की पावर टू और जेड की पावर टू, इसकी डिग्री क्या होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके, हैव अ गुड डे.